नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल को आपन स्वागत करछि। फ्रेंड्स आज वीडियो में देखिबा रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर आपनकर केमती क्वेश्चन आस्ताला जनरल अवेयरनेस सेक्शन, कारण आपन जानछथि 100 मार्क रो एग्जाम रो 40 मार्क आपनकर जनरल अवेयरनेस सेक्शन ही आस्ते। केमती पाटन क्वेश्चन आस्ताला, करंट अफेयर्स केते आस्ताला, ता सहित आपनकर स्टैटिक जीके साइंस रो केते आस्ताला, सब किछि आपन डिटेल्स ए वीडियो रे आपन पाइ जिवे। कारण मु पाका पाकी जो आपनकर गोटे शिफ्ट रे केते क्वेश्चन आस्ताला जनरल अवेयरनेस रो सब क्वेश्चन आपनकर नै आछि। तो देखन वीडियो सेशन एतिर आपनकर इंग्लिश रे क्वेश्चन होइबो, किंतु ओडिया रे बुझाउ चेष्टा करबी, कारण बहुत प्ले कंप्लेन करछथि इंग्लिश रे कोन केवल क्वेश्चन आस्ताला कि ओडिया रे आसनतला। तो देखंतु ओडिया रे भी आपनकर आस्ताला जो माने इंग्लिश रे सिलेक्शन करछथि क्वेश्चन आपनकर से इंग्लिश न्यू मु कलेक्शन करके आनिछि। तो देखंतु भलसे वीडियोटी, कारण एतिर आपनकर नॉलेज मिलो। जदि भी आपन एपर्यंत अप्लाई करनाथि एनटीपीसी 2019 एग्जाम पई अप्लाई कर दिनु। 31 मार्च आपनकर लास्ट डेट रहिछि, कारण बहुत भलो पोस्ट रहिछि आपनकर ग्रुप डी पर। आपन जन जानछथि करप्शन हिछि, तापर आपनकु माने भलो पोस्ट मिलबनी आ या पर वैकेंसी आसबो कि नै ठीक नै, कारण जेतु इलेक्शन अछि तिमे वैकेंसी अछि। तो भलो सुजोग अछि, हाथ छडा करंतु नै, अप्लाई जल्दी कर दियंतु। तो चलंत देखियो वीडियोटी भल लागले लाइक करी, फ्रेंड मन सदा शेयर करिवे, आ जदि पसंद हम चैनल सब्सक्राइब करनाते सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दियंतु। डेली बेसिस रे इंपोर्टेंट वीडियो देखबे हम चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन देखन कोन अछि, नेशनल स्पेस सोसाइटी गिव द 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड टू डैश। तो जो नेशनल स्पेस सोसाइटी रही कहते हैं राष्ट्रीय महाकाश समाज बा कहते हैं राष्ट्रीय अंतरिक्ष समाज, से 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड क्या प्रदान कला। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम राइट आंसर ऑप्शन बी होची आपनका राइट आंसर। इसरोज मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम टीम, जो इसरो रो हेतला मार्स ऑर्बिटर प्रोग्राम बा कहला शॉर्ट फॉर्म तो कहते हैं मॉम एमओएम, से सक्सेसफुल होता जो मंगलयान होता सक्सेसफुल होता मंगलयान। तो ताकू जो टीम प्रोग्राम करुले ऑर्बिटर प्रोग्राम जो करुले तांकू एटा प्रदान करथला 2015 स्पेस पायनियर अवार्ड। सेकंड क्वेश्चन, इंडियन आर्म फोर्सेस कंडक्टेड ऑपरेशन मेघदूत एट डैश। तो केउठारे ऑपरेशन मेघदूत कंडक्टेड करथले इंडियन आर्म फोर्सेस, भारतीय सशस्त्र सीमा बल जो रहिछन सशस्त्र सेना सेमन कोन करथले ऑपरेशन मेघदूत केउठारे कंडक्ट करथले, केउठारे सेटा अनुष्ठित होइतला। तो देखंतु सेकंड क्वेश्चन राइट आंसर होछि आपनकर ऑप्शन सी सियाचेन, सियाचेन ठारे ऑपरेशन मेघदूत कंडक्ट हेइतला। एठी आपण देखिले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपण करथिला एटा 2015 रो स्पेस पायनियर अवार्ड ऊपर थिला। देन सेकंड क्वेश्चन आपण कहउची ऑपरेशन मेघदूत केउठा हेतिला। तो एटी आपण को दीटा क्वेश्चन करंट अफेयर्स नै आछि। थर्ड क्वेश्चन देखन कोन अछि, चैंपियंस ऑफ द सेकंड फुटबॉल इंडियन सुपर लीग, जो इंडियन सुपर लीग कंडक्ट होछि फुटबॉल रो, तर सेकंड फुटबॉल लीग जो हेतिला इंडियन सुपर लीग आईएसएल की थिला चैंपियन। तो देखन थर्ड क्वेश्चन को हम राइट आंसर, राइट आंसर होछि आपण का ऑप्शन बी चेन्नई एफसी। तो चेन्नई एफसी थिला फुटबॉल क्लब थिला, सी आपण का सेकंड फुटबॉल इंडियन सुपर लीग रो चैंपियन थिला। तो एटा मध्ये आपण को करंट अफेयर्स क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2015 वाज। 2015 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड क्या प्रदान करते। स्पोर्ट्स आपंकर होचे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड बा हाईएस्ट ऑनर तो कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये आपंकर जो पूर्वतन प्रधानमंत्री थे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नाम यहाँ नामकरण कराइला, जी कि आपंकर 1984 1999 पर्यंत शासन करते मैंने प्रधानमंत्रित्व करते भारतर। तो तांकर नाम प्रदान कराइए स्पोर्टिंग ऑनर हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 2015 किए पाइले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो देखो चार नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी सानिया मिर्जा। तो आपण माने भी मन रखि नियंतु 2018 जो मिलता राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड काहको मिलता विराट कोहली को मिलता, जी कि क्रिकेटर अटंती, से बर्तमान टी20 वन डे इंटरनेशनल टेस्ट रे माने कैप्टेन अछंती, ता सहित भल बैट्समैन भी अटंती, ता सहित मीराबाई चानू जी कि वेट लिफ्टिंग करती माने भारतल कटंती, सी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड थी 2018 रो। पांच नंबर क्वेश्चन, दि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड इज। क्यों फूड आपंकर अधिक मात्रा विटामिन डी मिलता है, जमी आपको कहुए खरार आप सकाल बेला खरार ठिया होती विटामिन डी प्रचुर मात्रा मिलता है, सेमती क्यों फूड आपको विटामिन डी प्रचुर मात्रा मिलता है। तो देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल आपको प्रचुर मात्रा विटामिन डी प्राप्त होता है। छह नंबर क्वेश्चन, थर डेजर्ट इज इन। तो जो थर मरुभूमि रही है क्यों राज्य रही भारतर क्यों राज्य। तो देखो ऑप्शन कौन रही, छह नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी राजस्थान। ये आप समस्त जानते। तो ये आपनकर स्टैटिक जीके जोटा कि केबे चेंज होबनी, जोटी अछि सेट रहइबो। सात नंबर क्वेश्चन, दि समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज। जम्मू एंड कश्मीर रो समर कैपिटल कौन अटे, समर कैपिटल माने समर सीजन से उठाई कैपिटल होते। तो देखो सात नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी श्रीनगर। ये आप भलसे मन रखु, जम्मू एंड कश्मीर जो समर सीजन कैपिटल होते श्रीनगर होची तार कैपिटल समर सीजन रे। तो ये आपन क्वेश्चन आसो जब समर सीजन होची श्रीनगर कैपिटल, देन विंटर सीजन कि हम कैपिटल जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर विंटर कैपिटल होची जम्मू। ये मन रखिए आपको बहुत बड़ा सुविधा हे जब आप समर को श्रीनगर सहित माने कनेक्ट करदे, समर श्रीनगर देन विंटर जम्मू। आठ नंबर क्वेश्चन, नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व इन इंडिया ऑन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस केउं दिन पालन करा जाय। तो देखो आठ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी डिसेंबर 25। प्रतिवर्ष डिसेम्बर 25 तारिख राष्ट्रीय सुशासन दिवस पालन कर 2014 प्रतिष्ठा कर दिन को माने डिसेम्बर 25 तारिख में पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म जयंती अटे। तो से जन्म जयंती को राष्ट्रीय सुशासन दिवस पालन करने 2014 मोदी सरकार निष्पत्ति नहीं। तेणु 2014 पर प्रति वर्ष डिसेम्बर 25 तारिख में राष्ट्रीय सुशासन दिवस पालन करवल भारत में ही पालन करोसी देश में पालन करना। क्वेश्चन नंबर 9 एयर पॉल्यूशन लेवल इज कंसीडर्ड टू बी मॉडरेट इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बिटवीन डैश। तो जो एयर पॉल्यूशन लेवल बा जो प्रदूषण मात्रा रही से मॉडरेट बोली कंसीडर कर मॉडरेट माने ताको अति बेसी नुहे बोली धराजिबो बा बहुत कम भी नुहे मिडिल साइज रही बा टिके मिडिल टिके अधिक रही। तो इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बिटवीन तो जो एयर क्वालिटी जो रही एयर जो गुणवत्ता रही तार इंडेक्स से सूची में केते परसेंट टू केते परसेंट थिले केते नंबर जाय थिले जो एयर पॉल्यूशन लेवल मॉडरेट बोली हमें कंसीडर करवा चिंताधारा करवा। तो देखो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन डी जदि 151 रु 200 भितर रही एयर क्वालिटी इंडेक्स तो सेठी आमे कहवा एयर पॉल्यूशन लेवल होची मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 10 स्वच्छ भारत मिशन इज टू डैश। स्वच्छ भारत मिशन लक्ष्य कौन ये जो स्वच्छ भारत मिशन माने कौन। तो देखो 10th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन देखो राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी अचीव क्लीन एंड हेल्दी इंडिया। किसी लोक भाई स्वच्छ भारत मिशन होची केवल टॉयलेट ही प्रतिष्ठा करवा ताकि यूज करवा नहीं किंतु एक्चुअली तार मीनिंग होची तार मिशन होची अचीव क्लीन एंड हेल्दी इंडिया। 11th नंबर क्वेश्चन इफ क्वारंटाइन इज आइसोलेशन देन फ्रीडम इज डैश। जदि क्वारंटाइन को आम कह आइसोलेशन अलग करवा देन फ्रीडम को कौन कह तार मीनिंग कौन हम। तो देखो ऑप्शन कौन रही 11th नंबर क्वेश्चन सेपरेशन देन डिटेंशन लिबरेशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो राइट आंसर होची 11th नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी लिबरेशन। लिबरेशन हम आपको राइट आंसर फ्रीडम से फिट होमती क्वारंटाइन अनुसार आइसोलेशन रही। क्वेश्चन नंबर 12 आईएफसी इज द शॉर्ट टर्म ऑफ डैश। तो जो आईएफसी कोड रही है देखते प्रत्येक जो पेमेंट आपको क्या पठे क्या अकाउंट नंबर तो आपको आईएफसी कोड देवाक पड़ता है तर फुल फॉर्म भी आपको मन रखा पड़ो कौन रही है बैंकिंग टर्म ये आपको अटे। तो देखो कौन तार फुल फॉर्म 12th नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड ऑप्शन बी है राइट आंसर। बर्तमान जो टर्म रही है आईएफसी कोड तो ये आपको पूरा फैमिलियर होगा आप पूरा समस्त परिचित होगा आईएफसी कोड सहित कारण प्रत्येक ट्रांजैक्शन आपको आईएफसी कोड प्रोवाइड करा पड़ी। तो तार फुल फॉर्म आपको केवल मन रखते जोटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या एंटर कले ही आपनकर प्रकृत अकाउंट को टका आए। 13 नंबर क्वेश्चन दि कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड। तो भारत में क्यों दिन संविधान दिवस पालन कराए देखो ये हूँ आपको स्टैटिक जेके। तो 13 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी 26 नवेम्बर माने 26 नवेम्बर 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आडप्ट करता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सहीटा आपनकर जो जोटा कि आपनकर इफेक्ट होता 26 जनवरी 1950 में तो सही 26 नवेम्बर को कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान दिवस पालन कराए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सेफ्टी मैचेस कंटेंट्स आपन जो सेफ्टी मैचेस यूज करन से कौन थाए माने को केमिकल बा को आपनकर जिनसटी थाए। तो देखो ऑप्शन रही सल्फर फस्फोरस मैग्नीशियम पोटासियम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी फस्फोरस। ये भलसे मन रखु बहुत माने इजी क्वेश्चन किंतु आपनकर मन रखे पड़ो ट्रिकी क्वेश्चन आपनकर स्ट्रेटजी के। क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हुज नेम कैन बी फाउंड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स। तो ये आपंकर बहुत गुड़े पूर्वतन प्रधानमंत्री का नाम दिखाई जमीक कि अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव। तो ये कहार नाम इंडियन करेंसी नोट जो कागज मुद्रा रही है देखा मिलता है। तो देखो राइट आंसर होची आपंकर ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम जो भारत करेंसी नोट्स रही नोट्स मानक देखा प्रायतः मिलता है किंतु अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा गांधी किंवा नरसिम्हा राव नाम देखा मिल न था। क्वेश्चन नंबर 16 दि थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट राजस्थान इज नेम डैश। तो जो एंटी टैंक मिसाइल रही जे कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर करागला डीआरडीओ राजस्थान ठारू। तो ता ना कौन अटे। तो देखो 16 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन बी नाग। एंटी टैंक मिसाइल माने कौन से मिसाइल जोड़े कौन कर जो दुश्मन देशर बा कौन ऑर्गेनाइजेशन बा दुश्मन जी आपनकर कौन प्रकार अस्त्र शस्त्र बोईकि नेकी आसपत जो बड़ गाड़ी रही आर्मर्ड वेहिकल ताकू ये पूरा डिस्ट्रॉय कर एंटी टैंक मिसाइल। तो यहाँ हूँ आपनकर नाग जी कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर कराइए डीआरडीओ राजस्थान ठारू। क्वेश्चन नंबर 17 ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल दि न्यूज पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय। तो भारत जो स्वाधीनता संग्राम चली से न्यूज पेपर यंग इंडिया का द्वारा पब्लिश करा। तो देखो 17 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। आप समझे जानते हैं तथापि जो जाना मन रखी नियंतु महात्मा गांधी पब्लिश करते यंग इंडिया जो भारत फ्रीडम स्ट्रगल चलता स्वाधीनता संग्राम चली। क्वेश्चन नंबर 18 हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ इज इन। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रही तार हेडक्वार्टर मुख्य ऑफिस तार कोठी अवस्थित अटे। तो देखो 18 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अमेरिकार न्यूयॉर्क ठारे संयुक्त राष्ट्रर हेडक्वार्टर मुख्य ऑफिस अवस्थित अटे। क्वेश्चन नंबर 19 दि फंक्शन ऑफ अ बीआईओएस इज टू बीआईओएस आप जानते बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो तार फुल फॉर्म कह क्वेश्चन आसता है कंप्यूटर अवेयरनेस तो देखो ये कौन कहते फंक्शन ऑफ बीआईओएस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फंक्शन कौन कार्य कौन तो देखो ऑप्शन रही 19 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन ए इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सो फ्रेंड्स ये थे आपनकर पूर्व वर्ष रेलवे एनटीपीसी एग्जाम रे आस्तवा किसी इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस रो क्वेश्चन आपको केमते लगे निश्चित भाव में कमेंट कर जनेबे जदि भल है लाइक कर देबे फ्रेंड मन सहित शेयर करेंगे जो मैंने प्रिपरेशन करछन्ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जदि सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देबे डेली बेसिस इंपोर्टेंट वीडियो देखे पे चैनल वीडियो देखते हो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।